हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो T3 5G फ़ोन है, तो वीवो T3 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में OTG ऑप्शंस का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं या फिर OTG ऑप्शंस को कैसे अपने फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं वीवो T3 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि OTG ऑप्शंस को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और OTG को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे वीवो T3 5G फ़ोन में, और आप इसका यूज़ कैसे कर पाएंगे वीवो फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना हो, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो OTG ऑप्शंस को आप कैसे अपने फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो आपको ब्लूटूथ डिवाइस सेटिंग्स पे जाना है, जिसमें से OTG ऑप्शन से आ जाएगा, जिसको कुछ इस तरीके से ऑन करके फ़ोन में OTG ऑप्शंस का यूज़ कर पाएंगे और OTG भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन में। जिसका आप यूज़ कर सकते हो और OTG भी कनेक्ट कर पाएंगे अपने फ़ोन में, सिंपली जिसका आप यूज़ कर सकते हो और ऑफ़ कर देंगे तो ऑफ़ भी कर सकते हैं, जिसका यूज़ कर पाएंगे और ऑन करके OTG को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने फ़ोन में OTG कनेक्ट कर सकते हैं वीवो T3 5G फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो यहाँ से भी आप सेटिंग्स पे जा सकते हैं, OTG, तो OTG ऑप्शंस आ जाएगा, जिसका आप यूज़ करके अपने फ़ोन में OTG ऑप्शंस को ऑन कर सकते हैं, इस तरीके से ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन करके भी आप OTG कनेक्ट कर सकते हैं फ़ोन में। इस तरीके से OTG ऑप्शन को कनेक्ट कर सकते हैं फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो चलाइता हूँ।